और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की खबर है बरेली से, जहां पर आजम खान से मुलाकात के बाद मौलाना तौकीर का बयान सामने आया है। तौकीर रजा का जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप। आजम खान को जेल में दिया गया स्लो पॉइजन। तौकीर रजा ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सपा जहां है वहां तक पहुंचाने में आजम खान का बड़ा हाथ है। तो तौकीर रजा का जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेहद गंभीर आरोप तौकीर रजा ने जेल प्रशासन पर लगाया और कहा कि आजम खान को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। सपा जहां है वहां तक पहुंचाने में आजम खान का बड़ा हाथ रहा है, ये भी कहा है तौकीर रजा ने। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगर आजम सपा से दूर हुए तो इसको लेकर भी बड़ी बातें उन्होंने कही है। मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की दी थी धमकी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सपा जहां है वहां तक पहुंचाने में आजम खान का हाथ। अगर आजम सपा से दूर हुए तो सपा जमीन पर आ जाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की दी धमकी और एक सप्ताह तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया समय। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर रखेगा अपनी बात। एक सप्ताह के बाद दिल्ली में बैठक के बाद आंदोलन की तैयारी की बात कही है। तो मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप यहां पर मौलाना तौकीर रजा की ओर से लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर आजम खान को जेल में दिया गया स्लो पॉइजन, ऐसा कहना है तौकीर रजा का। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और साफ तौर पर कहा कि सपा जहां है वहां तक पहुंचाने में आजम खान का हाथ है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अगर आजम सपा से दूर हुए तो सपा जमीन पर आ जाएगी, ये बड़ी बातें खुद मौलाना तौकीर रजा ने कही हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेगा, ये भी कहा गया है। और आजम खान से मुलाकात के बाद मौलाना तौकीर का बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर। तौकीर रजा का जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। तो सपा जहां पर है वहां तक पहुंचाने में आजम खान का बड़ा हाथ, ये भी कहा है तौकीर रजा ने। और साथ ही कहा कि अगर आजम सपा से दूर हुए तो सपा जमीन पर आ जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौलाना तौकीर रजा का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। और बरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, मौलाना तौकीर रजा ने बड़ी बातें कही है, एक तो आजम और सपा के कनेक्शन को लेकर, दूसरा जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप है कि स्लो पॉइजन दिया गया आजम खान को। क्या कुछ जानकारी है इस पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल गरिमा, आपको बताना चाहूंगा मौलाना तौकीर रजा खान लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने पीएम भारत के देश के पीएम के लिए उन्होंने बयानबाजी करी और विवादित चर्चाओं में घिर गए और अब उन्होंने फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने आज ये कल देर रात मुलाकात की, उन्होंने आजम खान से मुलाकात रामपुर में की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। और अब जब हमने मीडिया ने बात करना चाही तो पहले तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने अब थोड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे बात करना चाही तो वो फिर अब विवादित बयानों में घिर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर से बड़ा एक तरीके से आरोप माना जाएगा, हालांकि सवालों जवाब को वो थोड़ा घुमा फिरा के दे रहे थे, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि जेल प्रशासन पर जो पॉइजन देने की बात है और जेल प्रशासन के अंदर किस तरीके से पॉइजन पहुंच गया या फिर आजम खान को पॉइजन दिया जा रहा था, तो ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि हमने ये उनसे जानना चाहा कि ये साफ तौर पर से किस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मुकर गए, बोले कि हम आरोप नहीं लगा रहे, हमको ये बात आजम खान साहब जो कि सपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बताई थी। और तमाम उन बातों पर उन्होंने ये चर्चा भी की और वहीं गरिमा उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम एक हफ्ते का दे दिया है। उन्होंने कहा हमने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपील कर दी है सभी मुसलमानों से और सभी समुदाय, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से उन्होंने अपील की है कि अब जो है अगर एक हफ्ते के अंदर के समय के अंदर इस अल्टीमेटम में अगर आप जो है अपनी कार्य शैली में सुधार नहीं लाते हैं और चाहे ज्ञानवापी वाला मुद्दा हो चाहे ताजमहल वाला मुद्दा हो, एक हफ्ते के बाद हम एक बार फिर से मीटिंग करेंगे और जेल भरो आंदोलन का
हम तैयारी कर चुके हैं पूरी तरीके से, और अब जेल भरो आंदोलन के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब हम ज्ञानवापी मस्जिद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। गरिमा, बिल्कुल, यानी ये बड़ी बातें जो है वो सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, बरेली से खबर है, आजम खान से मुलाकात के बाद मौलाना तौकीर रजा का ये बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।